लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त जिलों में होगी अब कृत्रिम बारिश। उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त जिलों में होगी अब कृत्रिम बारिश। तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में भी अब सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। इसकी शुरुआत बुंदेलखंड से होगी। इसके बाद किसानों को रूठे मानसून का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। योगी सरकार ने सूखा प्रभावित जिलों में कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी कर ली है। इसकी तकनीक IIT कानपुर ने विकसित की है। 1000 किमी क्षेत्र में कृत्रिम बारिश कराने पर 5.5 करोड़ की रकम खर्च होगी। सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि मानसून खत्म होने के बाद बुंदेलखंड से कृत्रिम बारिश प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। सरकार ने इस तकनीक को चीन से खरीदने की कोशिश की मगर बात नहीं बनी। हालांकि शुरुआत में चीन इस तकनीक को 11 करोड़ में देने को तैयार हो गया था, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। इस बड़ी समस्या का समाधान IIT कानपुर ने कर दिया है। 5.5 करोड़ में 1000 वर्ग किमी में कृत्रिम बारिश कराई जा सकेगी, यानी चीनी तकनीक से यह आधी राशि में मिल जाएगी। इसका पर्यावरण पर नकारात्मक असर नहीं होगा। IIT कानपुर दे चुका तकनीक का प्रेजेंटेशन। IIT कानपुर के विशेषज्ञ सरकार के सामने क्लाउड सीडिंग कृत्रिम बारिश तकनीक का प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। क्लाउड सीडिंग में प्राकृतिक गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए IIT कानपुर ने हेलीकॉप्टर समेत तमाम उपकरणों की खरीद भी कर ली है। हेलीकॉप्टर से होगा केमिकल का छिड़काव। कृत्रिम वर्षा करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी। इसमें सिल्वर आयोडाइड और कुछ दूसरी गैसों का घोल उच्च दाब पर भरा होता है। घोल को जिस क्षेत्र में बारिश करानी होगी उसके ऊपर छिड़क दिया जाएगा। भारत में कृत्रिम बारिश सबसे पहले कहां? भारत में कुछ राज्य अपने स्तर पर 35 सालों से कृत्रिम वर्षा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने 1983 में पहली बार सूखाग्रस्त क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया। 2003-04 में कर्नाटक सरकार ने इसका फायदा उठाया। महाराष्ट्र सरकार 2009 में अमेरिका की मदद से इसका प्रयोग किया। देश में कृत्रिम वर्षा के मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। 2009 में तमिलनाडु ने 12 जिलों में कृत्रिम वर्षा कराई थी। दुनिया में सबसे पहले कहां कृत्रिम वर्षा की तकनीक? सबसे पहले अमेरिका में विकसित हुई। 1945 में अमेरिका ने शुरू की थी तकनीक। मौजूदा समय में दुनिया के 45 देश कर रहे हैं प्रयोग। कृत्रिम वर्षा के 3 स्टेप दशक रसायनों का इस्तेमाल करके उस इलाके की हवा को ऊपर भेजा जाता है। इस क्रिया में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नमक, यूरिया आदि यौगिकों का इस्तेमाल कर कृत्रिम बादलों को बनाया जाता है। स्टेप-2 बादलों के द्रव्यमान को नमक, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, शुष्क बर्फ, कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर बढ़ाया जाता है। स्टेप-3 सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों की आसमान में छाए कृत्रिम बादलों में बमबारी कराई जाती है। नतीजतन कृत्रिम वर्षा होती है। कृत्रिम बारिश की चुनौतियां, केमिकल का कितना इस्तेमाल कितने क्षेत्र में करना, इसकी बारीकी से आकलन, मौसम का मिजाज कृत्रिम बारिश के अनुरूप है कि नहीं, बादल की किस्म, हवा की गति और दिशा की सही जानकारी, कृत्रिम बारिश के लिए कंप्यूटर, रडार आदि के इस्तेमाल पर बारीकी से नजर।